किसी गांव में रतन सिंह नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। गांव के लोग सेठ के पास अपनी समस्याएं लेकर आते। रतन सिंह गांव का सेठ होने के साथ अकलमंद भी था, इसलिए उसको लोगों की समस्याएं सुलझाने में बहुत आनंद आता था। उसको इस बात से खुशी होती थी कि लोग उसकी अकलमंदी को पहचानते थे और मानते भी थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरानी है। सेठ जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर पूछा, ठीक है पर ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। सेठ जी मेरी परेशानी यह है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरानी है। मैं एक गरीब आदमी हूँ और इतना गरीब हूँ कि मैं उसके बदले में और बकरियां नहीं खरीद सकता। सेठ जी ने पड़ोसी से पूछा, और तुमको इसके बारे में क्या कहना है। सेठ जी मुझे नहीं मालूम कि यह आदमी क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, पर उनमें से कोई भी बकरी इनकी नहीं है। इस बात का फैसला करना आसान नहीं था। सेठ जी को ऐसे मामले सुलझाने में बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा, मैं तुम लोगों का एक इम्तिहान लेता हूँ, जो भी वह इम्तिहान पास कर लेगा वही बकरियों का मालिक होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। जब तक तुम लोग इस सवाल का जवाब न ढूंढ लो यहाँ वापस मत आना। दोनों लोग सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब इस बात का जवाब कौन दे सकता था। उस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी जिया। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही अकलमंद भी थी। बुढ़ा जब घर वापस आया तो सेठ जी का सवाल उसने अपनी बेटी से पूछा। तुरंत ही उसने अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया जो उस सेठ को खुश कर सकता था। अगली सुबह ही वह बुढ़ा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जब बूढ़े को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे क्या तुमको मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जी सेठ जी यह कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। हाँ तो फिर बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। सेठ जी समय, वह हमारे पास कभी भी काफी नहीं होता, यह हमेशा ही बहुत जल्दी चला जाता है और हमारी पकड़ में नहीं आता। जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी समय काफी नहीं होता। बुढ़े के इस जवाब से तो सेठ भी चौकन्ना रह गया, क्योंकि उसको तो अपने आप पर भी यकीन नहीं था कि वह खुद भी इस सवाल का जवाब दे सकता था। उसने बुढ़े से पूछा, इस सवाल के जवाब में तुम्हारी किसने सहायता की, किसने बताया तुमको। किसी ने नहीं सेठ जी, ये मेरे अपने शब्द है, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, इसके लिए क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बुढ़ा डर गया, वह और आगे झूठ नहीं बोल सका। इस सवाल का जवाब मेरी बेटी जिया ने मुझे बताया है, वह एक बहुत ही समझदार लड़की है। लगता है कि वह बहुत अकलमंद लड़की है, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। जी ठीक है सेठ जी, मैं कल ही अपनी लड़की को आपके पास लेकर आऊँगा। अगले दिन ही वह बुड्ढा अपनी बेटी को सेठ जी के पास ले आया। सेठ जी तो पहले ही उसकी अकलमंदी का सिक्का मान गया था और उसको देखकर तो वह उसकी सुंदरता का भी सिक्का मान गया और बोला, तुम बहुत अकलमंद हो और साथ में सुंदर भी, यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। जिया ने जवाब दिया, सेठ जी यह बात बोलकर तो आपने मेरे घर की इज्जत ही बढ़ा दी। हालांकि सेठ जी इस बात से बहुत खुश था कि उसको इतनी सुंदर और अकलमंद बहू मिल जाएगी, पर वह उससे डरा हुआ भी बहुत था, क्योंकि वह वाकई बहुत अकलमंद थी। वह नहीं चाहता था कि वह उसके पास आने वाले मामलों में दखल दे। वह अपनी इज्जत को, जो उसको अपनी अकलमंदी की वजह से मिली हुई थी, किसी से बांटना नहीं चाहता था, अपनी पत्नी से भी नहीं। सो सेठ जी ने उससे कहा, जो कुछ भी मेरे घर में है वह सब तुम्हारा है, पर तुम्हारे लिए मेरे घर में बस एक ही नियम होगा कि तुम मेरे सामने आए हुए मामलों में कोई दखलअंदाजी नहीं दोगी। अगर तुमने यह नियम तोड़ा
तो मैं तुमको तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी। कुछ दिन के बाद जब सेठ जी का लड़का व्यापार करके परदेश से अपने घर आया तो सेठ जी ने अपने लड़के की शादी जिया से कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा। सेठ जी के पास लोग अपने मामले लेकर आते और वह उनको सुलझाते और जिया अपने घर के काम में लगी रहती। अक्सर वह सेठ जी के फैसलों को ठीक ही मानती थी। एक दिन सेठ जी ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपनी भेड़ों पर लड़ रहे थे। जो सचमुच में भेड़ का मालिक था वह लड़का उस पहेली को लेकर बहुत परेशान था। यह सब देखकर जिया से रहा नहीं गया। उसने उस लड़के से पूछा, भैया तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी ने मुझे बिल्कुल ही नामुमकिन काम दे रखा है। उसने हमें एक एक अंडा दिया है और कहा है जो कोई इस अंडे के बच्चे को मुझे सुबह लाकर दिखाएगा भेड़े उसी की होंगी। जिया जानती थी कि उसको उस लड़के की सहायता नहीं करनी चाहिए, पर इसका हल बहुत ही साफ था और वह लड़का उस काम को लेकर वाकई बहुत परेशान था, तो वह उसको उसके काम का हल बताए बिना न रह सकी। उसने लड़के से कहा, सेठ जी के पास थोड़ा सा चावल लेकर जाओ और उससे कहो कि वह उस चावल को आज ही बो दे ताकि तुम कल सुबह उस अंडे में से निकले बच्चे को वह मुलायम ताजा चावल खिला सकूं। उसको भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल उगाना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडों में से सुबह चूजे का निकलना। लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही सेठ जी के पास चावल लेकर गया और जो शब्द जिया ने उससे कहे थे उसने वही शब्द जाकर सेठ जी से कह दिए। पर सेठ जी यह सुनकर खुश नहीं हुआ, वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने पूछा, किसने कहा तुमसे यह सब? किसने दिए तुम्हें चावल? तुम्हारे जितने बड़े बच्चे के लिए ये शब्द बहुत ज्यादा अकलमंदी के है। ये मेरे ही शब्द है सेठ जी, ये मेरे ही विचार है, किसी और ने इसमें मेरी कोई सहायता नहीं की। देख लो, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुझको सजा दूंगा। इस पर वह लड़का चिल्ला पड़ा, सेठ जी वह आपके घर की बहू थी, उसने सोचा कि आप मेरी अकलमंदी की कदर करोगे। इस पर सेठ जी जिया पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उसने उसको एक ही तो नियम मानने को बताया था और वही उसने तोड़ दिया। शाम को जब सेठ जी घर आए तो उसने जिया को अपने सामने बुलाया और उसे बहुत डांटा। उसने कहा, बहू क्या तुमको मालूम नहीं है मैंने तुमको केवल एक ही नियम मानने के लिए कहा था और वह भी तुमने नहीं माना। जाओ अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। सेठ जी की पत्नी बोली, जी इस तरह से बहू को घर से बाहर निकाल दोगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर इसे माफ कर दीजिए, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, मैं इसे समझा दूंगी। सेठ अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। एक दिन जिया कुएं पर पानी भरने गई हुई थी, तभी कहीं से चार राहगीर वहां आ पहुंचे। उनमें से एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? जिया को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। फिर उससे पूछा, आप कौन है? मैं एक यात्री हूँ। यात्री तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। जिया ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन है? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। भैया गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया, उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। अब आप कौन है? बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। अरे भाई अनपढ़ गवार तो इस संसार में दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन है?
बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। आप कौन हैं? बहन मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगे तो जिया बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वही चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। जिया ने पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। जिया ने उन सभी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। उसी समय उसका पति भी अपने घर आ गया, जो व्यापार के काम से विदेश गया हुआ था। उसने चारों राहगीरों को अपने घर से बाहर निकलता देख लिया। ये सब देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं तो व्यापार करने के लिए परदेश जाता हूँ और यह मेरी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, इसे तो मेरी निहाद नहीं है। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, मेरे पीछे से न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात और भी है, बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला पिताजी पर ही छोड़ दूं। यही सोचता हुआ वह सीधा सेठ जी के पास जा पहुंचा और उनसे सारी बातें बताई। सेठ जी ने उसकी सारी बातें सुनकर उसी वक्त गुस्से में बहू को बुलाने के लिए अपने एक आदमी से कहा, तुरंत बहू को सभा में उपस्थित किया जाए। उस आदमी को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई क्या, जो उनकी शिकायत पर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाने के लिए अपने आदमी भेज दिए। जिया ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। फिर वह उस आदमी के साथ सेठ जी के पास चली गई। सेठ ने बहू से पूछा, तुम दूसरे मर्दों को घर क्यों बुला लाई, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। जी मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है, प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सामने उपस्थित होने के नहीं थे, इसी कारण उन राहगीरी को कुएं पर पानी नहीं पिलाया, उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई, घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। सेठ जी को बहू की बात ठीक लगी। सेठ जी को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से पर्सन थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर सेठ जी और सभा में बैठे सभी लोग चकित रह गए। फिर सेठ जी ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों पे उत्तर दो, हम अब तुमसे जानना चाहते हैं। जी मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाना चाहती हूँ, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो भोजन और पानी है। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। सेठ जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में दो ही मूर्ख है? जी हाँ, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख है। तुरंत बताओ कि वे दो मूर्ख कौन है। जी मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। सेठ जी को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं, तो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम बेफिकर होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। पहले मूर्ख तो मेरे पति जी हैं,
जिन्होंने पूरी बात जाने बिना ही अपनी पत्नी की शिकायत अपने पिता से की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस गांव का सेठ है, जिन्होंने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं दिया और बिना सोचे समझे बहू को भरी सभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर सेठ जी पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर सेठ जी ने बहू से माफी मांगी